नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं हैशटैग सलीम, जहां मैं सुनाता हूं ट्रेंड सेटिंग सॉन्ग्स और उनकी म्यूजिकल स्टोरीज ओनली ऑन बिग एफएम। शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का धमाकेदार ट्रेलर। लास्ट वीक मी एंड सुलेमान वर ट्रैवलिंग टू दुबई फॉर अ कॉन्सर्ट। जैसे ही मैंने फ्लाइट में एंटर किया, आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी मिस्टर अमिताभ बच्चन। उनके साथ हमारी क्या बातें हुई ये बताऊंगा आज के शो में। फिर एक गाना वो होगा जो म्यूजिक डायरेक्टर अन्नू मलिक ने तब बनाया था जब उन्हें पहला प्यार हुआ था। पहले प्यार का ये पहला गाना कौन सा था बताऊंगा आज। फिल्म युवा के कभी नीम नीम कभी शहद शहद इस गाने की वजह से एक फादर और डॉटर के बीच की नाराजगी कैसे खत्म हुई ये कहानी बताऊंगा आज। फिर एक ऐसे गाने की बात भी करूंगा जिसे सुनकर जावेद अख्तर साहब ने आनंद बख्शी जी से कहा कि सर वो कलम मुझे दे दीजिए जिसे आपने ये गीत लिखा। और एक ऐसा गाना भी जो सुरेश वाडकर जी का फर्स्ट हिट सॉन्ग था, मगर उसे रिकॉर्ड करने के बाद वो घर आकर बहुत रोए थे। क्यों रोए थे और कौन सा था वो गाना, ये सारी म्यूजिकल स्टोरी सुनने के लिए स्विच ऑन कर लीजिए अपना म्यूजिकल मोड एंड एंजॉय हैशटैग सलीम ओनली ऑन बिग एफएम, जहां हिट गाने होंगे ज्यादा। ये है बिग एफएम का वादा। वंस अगेन वेलकम बैक टू हैशटैग सलीम ओनली ऑन बिग एफएम, जहां हिट गाने होंगे ज्यादा। ये है बिग एफएम का वादा। मैं आपको बता रहा था कि लास्ट वीक मुझे और सुलेमान को दुबई की फ्लाइट में अमिताभ बच्चन जी मिले। हिज एनर्जी एंड काइंडनेस बोथ आर सो इन्फेक्शियस। दोस्तों, मैंने एक चीज सीखी है बच्चन साहब से, नथिंग कम्स ईजी। मेहनत, लगन, सोच, ये सब चीजें सक्सेस पाने के लिए बहुत जरूरी है। बट इन सब चीजों से ज्यादा इट्स इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी होता है। बच्चन साहब की नम्रता, सादगी इतनी कमाल की है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं। हमने 2 या 3 बार अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया है और हमने काफी सारी बातें की। ऑफकोर्स सारी बातें रिकॉर्ड नहीं कर पाया, फ्लाइट में थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता। फिर भी आपके लिए फिल्म अग्निपद की स्टोरी लेकर आया हूँ। ही वॉज वेरी स्वीट इनफ टू लेट मी रिकॉर्ड। विजय, दीनानाथ, जॉन, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ जॉन, माँ का नाम सुहासिनी जॉन, गांव मांडवा। उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन। सोलवा घंटा चालू है। विजय दीनानाथ चौहान, दिस ट्रेंड सेटिंग डायलॉग एंड अमित जी कैरेक्टराइजेशन वॉज सो यूनिक इन दिस फिल्म। मुझे जानना था कि उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए कैसे प्रिपेयर किया। मुकुल आनंद एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड से थे, कैमरा की उनको बहुत समझ थी, तो उनके जितने भी फिल्म्स आप देखेंगे उनमें आप देखेंगे कि हर एक फ्रेम जो है वो एक तस्वीर की तरह लगता है। और अग्निपथ जब उनके साथ की, वो पहली फिल्म थी, तो प्रत्येक फ्रेम जो था वो बहुत ही एक्साइटिंग। और जब उन्होंने कहानी सुनाई तो जब तक हम पहले दिन सेट भी नहीं गए तब तक हमें ये यकीन नहीं था या पता नहीं था कि ये कैरेक्टर जो है ये कैसे बोलेगा, कैसे इसका व्यवहार होगा। तो उस जमाने में एक अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर थे जिनका नाम था वरदराजन, और जिनके साथ एक आध बार हमारी मुलाकात हुई थी। वो धारावी के पास एक जगह है, वहां पर गणपति पूजा करते थे बहुत बड़ी, हम लोग सब जाते थे उस पूजा में। तो वहां हमने उनसे मुलाकात की और उनके बोलने का तरीका ऐसे ही था जिस तरह अग्निपथ में वो कैरेक्टर बोलता है। ओ वाव, वाकई अमित जी के आंखों में लगा काजल और उनकी वो टिपिकल स्टाइल, वो टोन, माय गॉड, लाजवाब था यार। मगर दोस्तों, इस टोन की भी अलग कहानी है, सुनिए। वो यश जौहर जी जिन्होंने इस पिक्चर को प्रोड्यूस किया था, उन्होंने कहा जी वो थिएटर में पिक्चर बंद करवा रहे हैं जनता, ये अमिताभ की आवाज नहीं है, तुम्हारा साउंड सिस्टम खराब है, बंद करो पिक्चर, ये ठीक करो इसको। देन दे स्टार्टेड डैमेजिंग यू नो द थिएटर, ब्लेड लेकर के कुर्सी वर्सी काट देते हैं सब। सो ही गॉट यू नो वेरी वरिड। सो द फिल्म वॉज रिलीज ऑन फ्राइडे, ऑन संडे आई वॉज डबिंग अगेन टू रीड अप द होल थिंग इन नॉर्मल वॉइस, लेकिन the original was the best I felt. और अभी भी जब कभी मैं concert tour वगैरह में जाता हूँ और लोग कहते हैं कि मैं उनको अग्निपथ के डायलॉग सुनाऊँ, तो वो उस आवाज में सुनना चाहते हैं जो पहले थी। Amazing ना? But अमित जी, आपने खुदा गवाह के लिए भी उतने ही एक दमदार आवाज वाली बैरिंग रखी थी। सर, जमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बादशाह खान है, इश्क मेरा मजहब,
मोहब्बत मेरा ईमान। वाओ, अमिताभ बच्चन जी से सुनेंगे उनकी कहानी। वेलकम बैक टू हैशटैग सलीम ओनली ऑन बिग एफएम। आज इतना खुश हूँ आपसे अमिताभ बच्चन जी से हुई मेरी फ्लाइट मुलाकात के थोड़े पल शेयर कर रहा हूँ। अमित जी, प्लीज टेल अस अबाउट खुदा गवाह। इट वाज अ मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस। खुदा गवाह जो थी वो काफी दिनों हमने ने इसकी शूटिंग की काबुल में, अफगानिस्तान में, और बड़ा मुश्किल था वहां जाना। वहां के जो उस जमाने में जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट नजीबुल्ला थे, वो हिंदी फिल्म प्रेमी थे और कहीं ना कहीं वो हमारे फैन भी थे। भारत सरकार को कई बार उन्होंने नुमाइंदा भेजा कि किसी भी तरह आप अमिताभ को भेजिए यहाँ अफगानिस्तान। प्रेसिडेंट नजीब हैड टू यंग डॉटर्स हु वर आल्सो फैंस। शी टोल्ड हर फादर, यू नो, अमिताभ इज कमिंग एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी द मुजाहिदीन आर बॉम्बिंग काबुल, प्लीज टेल देम नॉट टू बॉम्ब टुडे। एंड प्रेसिडेंट नजीब हैड ऑर्गेनाइज्ड अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी फॉर अस, यू नो, वी यूज्ड टू वॉक विद tanks and planes flying over us just to protect us. Oh my God, what a story, yaar. I hope aapko ye sab jankar acha laga hoga. Hashtag Saleem ke zariye meri yahi koshish rahegi ki film industry ke legends, trendsetters aur unki aisi hi unique stories aapke samne lata rahun. Aage ek aise hit gaane ki baat karunga jisne ek beti aur ek father ke beech ki narazgi ko dur kar diya tha. Sunte rahiye Hashtag Saleem. 92.7 Big FM par Hashtag Saleem. #Saleem Bollywood ke trendsetters with Saleem Merchant. Welcome back to Hashtag Saleem, jahan main sunata hoon trendsetting gaano ki musical kahaniyan only on Big FM. Aur ab baat ek aise hit gaane ki jisne ek beti aur ek father ke beech ki narazgi ko dur kar diya tha. Baat hai 1999-2000 ke aaspaas ki. हॉलैंड में रहने वाली एक इंडियन सिंगर मधुश्री मुंबई शो करने आई। यहां उसकी आवाज कुमार सानू ने सुनी और उसे कहा कि तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती। मधुश्री ने कहा कि दादा, मैं हॉलैंड में सेटल हूं, यहां फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है, वहां मेरा सिंगिंग अच्छा चल रहा है। कुमार सानू ने कहा कि तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए, हुआ तो ठीक वरना वापस चले जाना। अब मधुश्री ने इंडिया आने का प्लान तो बना दिया, बट उनकी पूरी फैमिली ने उनके इस फैसले का विरोध किया। उनके फादर तो इतने नाराज हो गए कि मधुश्री से बात करना भी बंद कर दिया। बट फैमिली से अड़ झगड़ कर मधुश्री मुंबई आई, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मिली और धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलने लगी। बट अब भी फादर उनके बहुत नाराज थे, बात नहीं करते थे। 2004 में जब मणि रत्नम की फिल्म युवा रिलीज हुई और उसमें गाया मधुश्री का एक गाना बहुत बड़ा हिट हुआ, कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त, मधुश्री फेमस हुई, कुछ अवार्ड्स मिले। तब एक दिन उनके फादर का फोन उन्हें आया और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा गाना सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और दोस्तों, मधुश्री ने क्या कमाल का गाया। पहली बात तो ये गाना AR रहमान का कॉम्पोजिशन था और क्या कमाल का ट्रैक बनाया है, काबिले तारीफ है। फोक के साथ इलेक्ट्रॉनिक टचेस और मधुश्री की साफ सुरीली आवाज। मुझे इस गाने में एक इंटरल्यूड बहुत अच्छा लगता है जिसमें रहमान ने खुद अपनी आवाज में गाया है। दोस्तों, सिंगर कितना भी भले कमाल का तैयार हो, पर कंपोजर का जो फील होता है, जो एक रूहानी टच होता है अपने खुद के गाने में, दैट इज समथिंग एल्स। मुझे ये गाना इसलिए भी ज्यादा पसंद है बिकॉज रहमान ने ये इंटरल्यूड बहुत ही अच्छे से गाया है। एनीवे, कमिंग बैक टू मधुश्री, एक गाने ने बेटी और फादर के बीच की नाराजगी को दूर किया। कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त। आगे बताऊंगा एक ऐसे गाने के बारे में जो म्यूजिक डायरेक्टर अन्नू मलिक के पहले प्यार का गाना है, यानी कि जब पहली बार उन्हें प्यार हुआ तब उनके दिल से यही गाना निकला था। कौन सा था ये गाना और क्या है ये म्यूजिकल स्टोरी, ये जानने के लिए वेट कीजिए कुछ देर का ब्रेक के बाद, लौटकर सुनाऊंगा अन्नू मलिक के पहले प्यार का पहला गाना ओनली ऑन हैशटैग सलीम सिर्फ बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर हैशटैग सलीम बॉलीवुड के ट्रेंडसेटर्स विद सलीम मर्चेंट। वेलकम बैक टू हैशटैग सलीम ओनली ऑन बिग एफएम, जहां हिट गाने होंगे ज्यादा क्योंकि ये है बिग एफएम का वादा। और अब म्यूजिक डायरेक्टर अन्नू मलिक के पहले प्यार और पहले प्यार में बने गाने की बात।
बात है तब की जब अन्नु मलिक कॉलेज में पढ़ा करते थे और उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि वो कभी किसी के प्यार में नहीं पड़ेंगे, कभी शादी नहीं करेंगे। मगर जैसा कि कहते हैं ना कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। इसी तरह पूरी तरह डिटरमिंड अन्नु मलिक की नजर अचानक एक हसीना पर पड़ी और अन्नु मलिक सब कुछ भूलकर उस हसी लड़की को देखते रहे और देखते रहे और उनके दिल से ये लफ्ज निकले, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। राह में उनसे मुलाकात हो गई। जिस लड़की को देखकर अन्नु मलिक के दिल से ये मुखड़ा निकला, वो वही अंजू है जो चलकर अंजू अन्नु मलिक यानी अन्नु मलिक की पत्नी बनी। और ये गाना अन्नु मलिक ने यूज किया 1994 की फिल्म विजय पथ में, जिसमें थे अजय देवगन और टब्बू। व्हाट अ स्वीट स्टोरी यार। और ये गाना भी कितना हिट हुआ। आइए सुनवाता हूं अन्नु मलिक के पहले प्यार का ये पहला गाना, राह में उनसे मुलाकात हो गई। Once again, welcome back to hashtag Saleem on Big FM, जहां हिट गाने होंगे ज्यादा, ये है Big FM का वादा। एक लिरिसिस्ट ने एक दूसरे लेजेंडरी लिरिसिस्ट का लिखा एक गाना सुना। गाना सुनकर वो लिरिसिस्ट इतना इंप्रेस हुआ कि उसने लेजेंडरी लिरिसिस्ट से कहा कि सर वो पेन मुझे दे दीजिए जिससे आपने ये गाना लिखा है। कौन थे ये दोनों? दोस्तों, जिंदगी पर बने बेस्ट गानों की लिस्ट बनाई जाए तो टॉप 3 और टॉप 5 गाने आएंगे। उनमें एक गाना है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। इस गाने के लिरिक्स के कारण ये फिल्मी गाना नहीं बल्कि लाइफ की फिलॉसफी है। इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, इट्स अ पीस ऑफ लिटरेचर। इस गाने को जब जावेद अख्तर साहब ने सुना तो वो इस गाने से इतना इंप्रेस हुए कि एक पार्टी में उन्होंने बख्शी साहब से कहा कि सर वो पेन मुझे दे दीजिए जिससे आपने ये गाना लिखा। सर मैं तो मुरीद हो गया हूं आपके इस गाने का, आप वो पेन मुझे प्लीज दे दीजिए। बख्शी साहब ने जावेद अख्तर साहब की ये बात सुनकर उनसे कहा कि मैं आपको वो पेन दे देता मगर वो मुझे आशा भोसले जी ने गिफ्ट दी है, मगर मैं आपको वैसा ही एक पेन मेरी तरफ से गिफ्ट करूंगा। और अगले दिन सुबह जावेद अख्तर साहब के घर बख्शी साहब का भेजा एक पेन आया। जावेद अख्तर साहब का ये गाना हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, कहीं ना कहीं बख्शी साहब के जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम के ही ख्याल पर बेस्ड है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। वहां बख्शी साहब कहते हैं कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। और यहां पर जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि हर पल यहां जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। आगे बताऊंगा कि सुरेश वाटकर जी अपने फर्स्ट हिट सॉन्ग सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद घर जाकर रोने लगे। क्यों आया सुरेश वाटकर जी को रोना, जानेंगे बस एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून विद मी और हैशटैग सलीम, डोंट गो एनीवेयर। जी हां, हिट गाने होंगे ज्यादा, ये है बिग एफएम का वादा। 92.7 बिग एफएम पर हैशटैग सलीम, बॉलीवुड के ट्रेंडसेटर्स विद सलीम मर्चेंट। वेलकम बैक टू हैशटैग सलीम, जहां मैं सुनाता हूं ट्रेंड सेटिंग गानों की म्यूजिकल कहानियां ओनली ऑन बिग एफएम। और अब बात सुरेश वाडकर जी के फर्स्ट हिट सॉन्ग की, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। इस गाने से सुरेश वाडकर जी एस्टैब्लिश हुए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, मगर इसी गाने को रिकॉर्ड करने के बाद वो घर जाकर रोने भी लगे। क्यों? आप सोच रहे होंगे कि उन्हें बहुत अच्छा गाना मिला, लाइफ में बड़ा ब्रेक मिला, इसीलिए उन्हें रोना आ गया यानी खुशी के आंसू। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। द रीजन वॉज डिफरेंट। हुआ यह था कि गाना रिकॉर्ड करने से पहले म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव जी ने उन्हें इस गाने की बहुत सी रिहर्सल्स करवाई। गाना एकदम पक्का हो गया और रिकॉर्डिंग वाले दिन सुरेश जी ने जैसे ही पहला टेक गाया, उसी टेक को जयदेव जी ने ओके बोलकर रिकॉर्डिंग खत्म कर दी। सुरेश जी को लगा कि उन्हें दूसरा टेक भी देना चाहिए सेफ्टी के लिए,
पर जयदेव जी ने साफ मना कर दिया और बोला फर्स्ट टेक ही ओके है। अब सुरेश जी को लग रहा था कि लोग उनकी गायकी में बाद में कमियां निकालेंगे और कुछ बोलेंगे कि शायद अच्छा गा सकते थे वगैरह। ये सोचते सोचते वो घर पहुंचे और घर आकर अपनी दीदी की गोद में सर रखकर रोने लगे। दीदी ने समझाया कि जयदेव जी एक लेजेंड है, अगर उन्होंने ओके किया है तो गाना ओके ही हुआ होगा, तू चिंता मत कर, तेरा गाना ठीक ही होगा। ऐसा कई बार होता है, सिंगर्स वांट सेकंड टेक थर्ड टेक, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर फील्स इट्स फाइन। मेरे हिसाब से एज अ कंपोजर आई फील कि अगर सिंगर दूसरा टेक मांगता है या तीसरा टेक मांगता है तो उसे टेक दे देना चाहिए। शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ और अच्छा मिल जाए, और फिर आपके पास हमेशा ऑप्शन है, अगर आप सेटिस्फाइड है फर्स्ट टेक से तो आप बेशक पहला ही टेक सिलेक्ट कर सकते हैं। पर दोस्तों उन दिनों बात कुछ और थी, तभी लाइव रिकॉर्डिंग का जमाना था, और लाइव रिकॉर्डिंग के बाद जब डबिंग का सिलसिला चालू हुआ तो डबिंग में भी जो पहले रिकॉर्डर्स होते थे वो स्पूल रिकॉर्डर्स होते थे, और उनमें भी ट्रैक्स की कमी होने के कारण इतने ऑप्शंस लेने का चांस नहीं मिलता था। एनीवे दोस्तों, सुरेश जी का पहला टेक ही हिट हो गया और इंडस्ट्री में फिट हो गया। सुरेश जी के फर्स्ट हिट सॉन्ग की स्टोरी के बाद सुनवाता हूं सुरेश जी का ही और एक हिट सॉन्ग, जो मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, फ्रॉम वन ऑफ माय फेवरेट कंपोजर्स इलैयाराजा जी, ए जिंदगी गले लगा ले। तो ये गाना सुनने से पहले गुड बाय करने का वक्त आ गया है। सी यू, कल फिर मिलूंगा कुछ और ट्रेंड सेटिंग गानों के साथ, उनकी म्यूजिकल स्टोरीज के साथ। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। 92.7 बिग एफएम पर #सलीम #सलीम बॉलीवुड के ट्रेंड सेटर्स विद सलीम मर्चेंट।